रखा तो वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसको आप सिंपली नो करके चलें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और वैसे अगर आप इस कन्फ्यूजन से बचना चाहते हो तो इसको सिंपली आप नो ही करके चलें। सो आर यू ए सिटीजन हेलो ऑफ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दिमाना आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे बंदों की रिक्वेस्ट आई थी भाई कि इसके बारे में भी बताना। तो साउथ कोरिया का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ, ठीक है, पूरा प्रोसेस एक अलग चीज है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म एक अलग चीज है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो खुद ब खुद, और क्या कैटेगरी है, फिर क्या आपको चूज़ करना है और कैसे इसको फिल करना है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो फिर इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, फिर आप इंस्टा पे आके सेम चीज़ पूछते हो जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ अभी। तो भाई, इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनकी हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो खुद ब खुद अपना काम कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में, और लैपटॉप पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे आपको बताऊँगा कि लैपटॉप की कैसे स्क्रीन पे आप हैं इसको कर और सकते हो। आप लोग देख सकते हो भाई कि ये कोरिया वीज़ा पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्म फिल करना है, कोई और फॉर्म कोई भी है वो एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, तो इसमें आप एक बार देखो, सबसे पहले भाई यू मस्ट फिल आउट दिस फॉर्म कम्प्लीटली एंड करेक्टली, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए भाई, और पूरा फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी रहती है तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यू मस्ट यूज़ आइदर ब्लॉक लेटर्स फॉर कोरियन और कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश, तो कैपिटल लेटर में ही आपको इसको फिल करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई जो मोस्टली लोगों को पता नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उस पे जो क्वेश्चन हैं जो उन्होंने पूछ रखे हैं उन पर टिक मार करना है, चेक करना है। तो ये चीज़ है भाई, इफ़ यू सेलेक्ट अदर प्लीज़ प्रोवाइड अस मोर इन्फॉर्मेशन इन द गिवन स्पेस, मतलब इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले अभी कैटेगरीज आ जाती हैं कि कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं भाई। तो आप किस पर्पज़ के लिए आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, टूरिस्ट और ट्रांजिट है, इन दोनों को इसे इन्होंने एक ही कैटेगरी में रख रखा है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है, कोई मेडिकल टूरिज़्म, आपको मतलब मेडिकल पर्पज़ के लिए आप वहाँ पर जा रहे हो, कोई बिजनेस ट्रिप है तो वो इसको हम इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, वर्क परमिट पर अगर आप जा रहे हो तो फिर वर्क परमिट का हम यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे ये भी कि उसके लिए कैसे क्या करना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको फॉर्म पूरा फिल करना होता है। ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, तो फैमिली रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये है, डिप्लोमेटिक और मैरिज माइग्रेंट के लिए ये है। तो ये इनके जो नॉर्मली टूरिस्ट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई, सेकेंड है स्टे, स्टेटस ऑफ स्टे। तो भाई अब यहाँ पे आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है, और इसमें जो भाई जो कोरिया का वीज़ा है वो होता है B2 वीज़ा। यहाँ पे कैटेगरी लिखी है A1, A2, 3, 4, है ना, D4 करके। तो जो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वाला, वो होता है टूरिस्ट वीज़ा ट्रांजिट, इसको बोलते हैं B2। तो ये आपने कर दिया। तो डू यू हैव एन इनवाइटिंग कंपनी, ठीक है भाई, अगर आपके कोई इनवाइटिंग कंपनी है, आपके पास कोई इनविटेशन है या फिर कोई भी आपको इनवाइट कर रहा है, तो भाई उसका ये वीज़ा पोर्टल आईडी, इनविटेशन कंपनी की, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर डालोगे, आपको सर्च करना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो आप करना है रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट। अगर मान लो आप अप्लाई कर रहे हैं भाई, तो आपका क्या रिलेशन है इनवाइटी से, मतलब जो इनवाइट कर रहा है उससे आपका क्या रिलेशन है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखो, इन केस यू हैव द इनवाइटिंग कंपनीज वीज़ा पोर्टल आईडी, प्लीज़ एंटर इट टू द आईडी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो इन्होंने अपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया, और यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ मैं, ये इन्फॉर्मेशन है पूरी। यहाँ पे आपको अपना फैमिली नेम, यहाँ पे गिवन नेम ये डालने हैं, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और नॉर्मल आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें, आप बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। नेशनलिटी में यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, इंडिया आप डाल सकते हो। और उसके बाद भाई, हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम, आपने कोई दूसरा नाम यूज़ कर रखा है, जो आपने कोई पासपोर्ट में कहीं पर चेंज करवाते हैं लोग, तो वो भी आपने कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसको आप सिंपली नो करके चलें
थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। और वैसे अगर आप इस कन्फ्यूजन से बचना है तो इसको सिंपली आप नो ही करके चलें। सो आर यू ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करो, नहीं है तो इसको नो कर दो, ठीक है। डिटेल्स ऑफ वीज़ा इशुवेंस कन्फर्मेशन, इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी भाई हम इसको अभी ब्लैंक छोड़ रहे हैं, और आपके पास अगर कोई इस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन में भाई आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कई बंदे कन्फ्यूज जाएंगे कि हम किस में डालें, तो आप रेगुलर में डालो और अपना पासपोर्ट नंबर डालो, पासपोर्ट की डिटेल आपको यहाँ पे पूरी की पूरी डालनी है। सो डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, तो वहाँ यहाँ पे करना है, अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो, और उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी भी रेगुलर में आपको डालनी पड़ेगी। ऑफिशियल आपका नहीं है, डिप्लोमेसी आपकी नहीं है, अदर में नहीं है, आपको रेगुलर करना है और डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। अगर वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रहने दें इसको। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है भाई, ठीक है, ईमेल फ़ोन नंबर वगैरह सब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो मैंडेटरी चीज़ है और इसको आप सेम कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, रिलेशनशिप देना पड़ेगा, फिर इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। तो एक बार कोड जनरेट हो जाता है भाई प्रॉपर फोटो के साथ, तो जब उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपको वो जनरेट हो जाएगा और एक कोड जनरेट हो जाएगा आपके लिए, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रेडी हो जाएगा। तो उसमें आपको फ़ोटो अटैच करनी होती है, फ़ोटो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट भी आपको बता देता हूँ फ़ोटो की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो बेसिकली बेसिकली जो सबकी रिक्वायरमेंट रहती है, वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस कवर, तो ये देखो 3.5 एंड 4.5 mm सी ये सेंटीमीटर बोल रखा है इन्होंने, तो वो आपको फ़ोटो चाहिए, ये कैटेगरी रहती है। और भाई ये गलती मत करा करो बिल्कुल भी कि ये जो वाइट बैकग्राउंड है इस पर ध्यान नहीं देंगे लोग, ये आपको वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए, वही फ़ोटो एक्सेप्ट करेगा, और वही अगर दूसरा करते हैं तो भाई रिफ्यूज़ल के चांस रहते हैं ज़्यादा। तो यही था इसका पूरा बस, और इसके अलावा कुछ इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है भाई, को वीज़ा एप्लीकेशन की सर्विस चाहिए प्रॉपर पूरी एप्लीकेशन की, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और अगर आप कोई कोई हेल्प चाहिए, फिर कुछ भी चीज़ आपका डाउट रहता है तो भाई आप इंस्टा पे आ जाना, वहाँ पे आके फॉलो करना, मैसेज करना, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पे हम आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। तो भाई इस वीडियो को आप शेयर करना और भी लोगों के साथ, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका अपना चैनल है, और भी भाई के साथ शेयर कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।